बिहार के राजधानी पटना में अंतिम चरण में चुनाव होना है और इसे लेकर उत्साह इस कदर पटना में पीएम के रोड शो का देखने को मिल रहा है कि आज देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों के किनारे छतों पर मौजूद है। लोग अपने प्रधानमंत्री के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेडिंग के बीच पटना वासी अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को बेताब दिख रहे हैं। वहीं फूलों से सजे विशेष वहां पर सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद है और हर तरफ उमड़े जन सैलाब को प्रधानमंत्री हाथ हिला हिला कर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आपको बताते चलिए, लोग भी उत्साह से नरेंद्र मोदी के जयकारे लगा रहे हैं और लोगों का उत्साह इस कदर है कि लोग प्रधानमंत्री को देखते ही अब की बार 400 पार का नारा भव्य स्वागत कर रहे हैं। आपको बताते चलिए कि पीएम मोदी का रोड शो करीब 2 किलोमीटर लंबा होगा और 2 घंटे का होगा। रोड शो के बाद वह राजभवन की रात्रि में विश्राम करेंगे और अगले 13 मई को पटना साहिब गुरुद्वारा जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हाजीपुर, मुजफ्फरपुर के मोतिहारी और छपरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। नीति सिंह के साथ न्यूज क्राइम 24 की रिपोर्ट। नमस्कार, यह है देव गुरुकुल अम्बाला संस्कारों की धरोहर, जिसमें गुरुकुल की वैदिक शिक्षा पद्धति के साथ आधुनिक शिक्षा की नई तकनीक के माध्यम से छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। यहाँ आधुनिक पद्धति पर आधारित प्रयोगशाला में सभी छात्रों को भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान से संबंधित अनेकों प्रयोग कराए जाते हैं। यहाँ वैदिक और आधुनिक पुस्तकालय का एक अनोखा संगम है। छात्रों के लिए आधुनिक कार्यशाला की व्यवस्था, कंप्यूटर शिक्षा का बेहतरीन ज्ञान एवं खेल कूद की सारी व्यवस्थाओं से परिपूर्ण है यह गुरुकुल का प्रांगण। धन्यवाद।